नमस्कार, आप देख रहे हैं आयतन सर्वन न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। आपको बताते चले, हम लगातार आपको जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि पेट्रोल पंप डीलर जो होते हैं वो अपने ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करें, उसी के चलते आज हम पहुंचे हैं अमीनगर सराय में। और हमारे साथ हैं धीरज उज्जवल जी। उनके लगभग 5-6 पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कुछ मेरठ में है, कुछ बागपत में है। उनसे हम जानेंगे कि जो वास्तव में सरकार के द्वारा इनको आदेश दिया गया है कि ये मूलभूत सुविधाएँ ग्राहकों को देनी अवश्य है, क्या वो पूरी तरह से फॉलो हो रही है। और इसके अलावा जो अभी DM सर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो यहाँ पर फॉलो पूरी तरह से किया जा रहा है, इसके बारे में हम सीधे जानकारी कर लेते हैं उज्जवल जी से। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा सवाल है, जो अधिकतर पेट्रोल पर शिकायतें देखी जाती हैं, हम भी जाते देखते हैं, आप भी देखते होंगे, शौचालय बहुत गंदे मिलते हैं वहाँ पर, और शौचालय अब होते भी नहीं, ऐसा सिंगल होता है, जबकि आदेश ये है कि महिला और पुरुष का अलग अलग शौचालय हो, एक साइन बोर्ड भी लगा हो, अच्छी सी सुविधाओं पर साफ सुथरा हो, यहाँ पर क्या स्थिति है? शौचालय इसीलिए ऐसी होती है कि शौचालय में कम से कम एक पेट्रोल में कम से कम भी 1000 कस्टमर आते हैं सुबह शाम तक। कोई पैर गंदे हैं वो अंदर चले जाएगा, कोई बाथरूम बाहर ही कर देगा, मतलब कोई छोटा बच्चा जाएगा वो, तो ऐसी से देख के मतलब बहुत ही देखभाल करने के बावजूद भी, कितनी भी देखभाल कर लो गंदे अक्सर हो जाते हैं, फिर भी हम मतलब मेंटेन रखते हैं, हमारा स्वीपर रहता है, हम मतलब 1 घंटे में आधे घंटे बाद उसे चेक कराते रहते हैं, और फिर भी हर आदमी तो चेक नहीं करा जा सकता, हर आदमी चेक नहीं किया जा सकता, फिर भी 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद मतलब उसे चेक कर लिया जाता है और पानी से दोबारा साफ करा दिया जाता है। हाँ, एयर की सुविधा है, एयर की सुविधा हर पंप पे सुविधा है। हाँ, कूलर वाटर भी हर पंप पे उपलब्ध है। हाँ, सब पे उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेंसिटी जांच और फिल्टर पेपर वगैरह की, हाँ वो सब होते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, हमारे जैसा 5 लीटर की माप होती है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है वो हमारे पे, और हम अक्सर जब भीड़ होती है मशीन पे, हम उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें 2 मिनट रोक के अपना मतलब जार भर के दिखाते हैं कि भैया आप 1 मिनट हमें दो और संतुष्टि करो कि हमारी माप पूरी है, और आपको कोई डाउट हो तो फिल्टर पेपर है आप चेक कर सकते हैं, हालांकि कोई मिलावट हो, मुझे नहीं लगता बागपत जनपद में साथ कोई ऐसा पंप चला जिसमें मिलावट हो, सभी ठीक पंप चल रहे हैं और डीलर भी मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों को मिलावट कर रहा है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो भी डीएम ने आदेश जारी किए हैं बिना हेलमेट के पेट्रोल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, तो क्या वो पूरी तरह से फॉलो होगा? हाँ, कप्तान साहब ने और DM साहब ने जो निर्देश दिए हैं और सहयोग की अपील की है डीलर से कि भाई ये अच्छा मुहिम है, तो बहुत अच्छी पहल की है DM साहब ने, कप्तान साहब ने। अब ये देखो, देहात है, यहाँ पे देहात में ऐसा एक वो करना पड़ता है, मतलब हर तीसरा आदमी बहस करता है, सेलमैन के साथ बदतमीजी करता है, फिर भी हम उससे खुशामंद से हाथ जोड़ के सेलमैन से कह रखे भैया पहले खुशामंद करो, रिक्वेस्ट करो, फिर उन्हें बता दो DM साहब से बात कर लो, कप्तान साहब से बात कर लो, हम बिना हेलमेट के तिल नहीं दे सकते, वो आप ही का फायदा है, आपकी जीवन की सुरक्षा है, हमें कोई से दिक्कत नहीं है। भाई जब आदमी दिल्ली में प्रवेश करता है, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले 100 मीटर पहले हेलमेट क्यों लगा लिया जाता है? वे सब पढ़े लिखे लोग तो दिल्ली में रहते नहीं, अब हम गाड़ी लेकर दिल्ली में प्रवेश करते हैं पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो UP में क्यों नहीं हो सकता? तो मैं DM साहब से उस दिन मीटिंग थी, हमने कहा था कि सर आपकी बहुत अच्छी पहल है, हम इसमें थोड़ा सेव करेंगे, हालांकि एक दिन हमारे सेलमैन के साथ गुराना पेट्रोल पंप बदतमीजी कर दी आगे कि भाई हम तो गांव के हैं, हम तो ऐसे तेल लेंगे, फिर मैंने कप्तान साहब से बात की तो कप्तान साहब ने थाने में फ़ोन किया कि एकदम तुरंत जीप आई, हालांकि भाग के लड़के, पर ऐसी बहुत हर पेट्रोल पंप पर थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो जब से DM साहब कप्तान साहब ने ये आदेश जारी किया है, मैं मानता हूँ कि 90% इसमें लागू हुआ है और हेलमेट भी 90% बाइक पे मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो इससे अच्छी मुहिम है, एक दुर्घटना कम होगी, अगर हमारा सर सुरक्षित है तो जान भी सुरक्षित है, तो ये मैं स्वागत करता हूँ इसी पहल का DM साहब के, कप्तान साहब हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुहिम चलाई, अच्छी बात है भाई। हाँ, एक मतलब एक इंसानी कीमत की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है जीवन, हर उसके बच्चे मम्मी पापा पत्नी बहन भाई इंतज़ार करते हैं कि हमारा बेटा ड्यूटी से घर आएगा कब आएगा, तो ये बहुत ही मैं भी अपील करना चाहता हूँ सभी से, जो युवा साथी हैं और जो बाइक से चलते हैं, कि हेलमेट
पहले बाइक बाद में बाइक उठाएं, पहले हेलमेट हाथ में ले लें और जब घर से निकलें, और जीवन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। मैं सभी अपने क्षेत्र प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, और जो शिव भक्त हैं कांवड़ में शरीक होंगे उनसे अपील करता हूं कि बहुत ही शांति और प्यार के साथ कांवड़ यात्रा को पूर्ण करें, किसी के साथ कहीं बदतमीजी ना करें, मतलब बहुत ही प्यार से जो शिव के भक्त हैं अपना कांवड़ लेकर आएँ, जहाँ भी जल अभिषेक करना है उसे करें और सुरक्षित अपने घर पहुँचें।